Hello everyone. In our last video, we discussed about heat exchanger and log mean temperature difference. I hope you have understood that concept and you have practiced questions on that. If you have any doubts, you can obviously send me those doubts. I'll solve your queries. In the last video, I said that in the next video, I'll be discussing about moisture content. Being a food technologist, you obviously know that moisture is a very important factor which every food technologist must know. Moisture basically hota kya hai? Pehle ye samjhenge. Lekin usse pehle aapko ye batana zaruri hai ki moisture content ke upar aapko gate exam mein ek numerical to hamesha milega. Compulsion hai ki exam mein aayega hi aayega. To moisture ko samajhte hai na. What is moisture? Moisture is basically the amount of water present in the sample. The amount of water present in the sample is basically moisture. क्या कहा जा रहा है? Amount of water. But क्या ये water के form में express किया जाता है? मतलब kg के form में कर सकते हैं? But generally it is expressed in percentage. Moisture को generally हम percentage के basis में express करते हैं. Percentage के basis पे यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो है wet basis और दूसरा है परसेंटेज ड्राई बेसिस. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज वेट बेसिस एंड परसेंटेज ड्राई बेसिस. जब ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तब आप न्यूमेरिकल्स तक जा सकते हो. तो पहले हमने क्या सीखा कि मॉइस्चर कंटेंट में क्या रहना. मॉइस्चर बेसिकली है क्या? वॉटर कंटेंट ऑफ अ फूड सैंपल. वाई इट इज नेसेसरी टू मेजर द वॉटर कंटेंट ऑफ अ फूड सैंपल? Because it will decide the perishability of a food sample. मतलब आप कितने दिनों तक एक food sample को preserve कर सकते हो, वो decide कौन कर रहा है? Moisture content. Moisture content को measure करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि उससे हमें क्या पता चलता है कि हम food item को preserve कर सकते हैं या नहीं. जितना ज्यादा water content होगा एक food sample में, उतनी ही उसकी shelf life क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अगर water content कम हो गया तो शेल्फ लाइफ क्या होगा? बढ़ जाएगा. तो इस वाटर कंटेंट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन ड्राई अ फूड सैंपल. ड्राइंग इज अ टेक्नोलॉजी विच यू अप्लाई टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड सैंपल. एंड जो रिड्यूस करने के बाद वाटर कंटेंट आया, उसको मेजर कैसे करते हैं हम? आइदर हम परसेंटेज वेट बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर परसेंटेज ड्राई बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो मॉइस्चर को या तो आप केजी में रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब बात ये आती है कि हम इसे मेजर कैसे करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है. अगर हम मॉइस्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज वेट बेसिस पे, तो अगर वेट बेसिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका एमडब्ल्यू लिख रहे हैं. एमडब्ल्यू को हम कैसे लिख रहे हैं? एमडब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू टी इंटू 100. नाउ व्हाट इज दिस डब्ल्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टी? एमडब्ल्यू क्या है? परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इन वेट बेसिस. अब ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू दिस इज द वेट ऑफ द वॉटर प्रेजेंट इन सैंपल. ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? वेट. दैट मीन्स इट कैन बी इन केजी, इट कैन ऑल्सो बी इन ग्राम्स. Now what is WT? WT is the total weight. Total weight kiska? Total weight of the sample. Ek cheez dhyan rakhiyega, agar question mein kuch mentioned nahi hai, sirf percentage moisture content diya hua hai, to aapko kya consider karna hai ki wo percentage moisture content kis mein diya hua hai? Wet basis pe. Wet basis pe jo value di hui hai, wahi wahan pe mentioned hai. Ye ho gaya percentage wet basis. परसेंटेज वेट बेसिस में हम किसको कंसिडर करते हैं? टोटल वेट ऑफ द सैंपल को. अब अगर इसी मॉइस्चर को आपको रिप्रेजेंट करना है ड्राई बेसिस पे, तो आप कैसे लिखोगे? परसेंटेज ड्राई बेसिस. परसेंटेज ड्राई बेसिस इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एम डी से. नाउ दिस एम डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी इंटू 100, राइट. नाउ डब्ल्यू डब्ल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वेट ऑफ द वॉटर. नाउ वॉट इज दिस डब्ल्यू डी? डब्ल्यू डी
ये आपके लिए एक नया टर्म आया। WT को हमने क्या कहा? वेट ऑफ द ड्राई मैटर। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास टोटल सैंपल है 100, 100 केजी अगर टोटल सैंपल ऑफ द वेट ऑफ द सैंपल है, इसको क्या कह रहे हैं हम? WT। क्यों? क्योंकि ये टोटल वेट ऑफ द सैंपल है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस 100 केजी सैंपल में 10 केजी क्या है? वॉटर प्रेजेंट है। तो ये 10 केजी क्या है? वॉटर। दैट मीन्स ये क्या हो गया? डब्ल्यू डब्ल्यू, ये हो गया वेट ऑफ द वॉटर। तो अगर एक सैंपल टोटल 100 केजी का है, उसमें अगर 10 केजी वॉटर है, तो रिमेनिंग क्या है? सॉलिड। दैट मीन्स अगर आप 100 माइनस 10 करते हो तो वैल्यू क्या आएगा? 90 केजी। ये 90 केजी है क्या? वेट ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द सैंपल। यही है आपका डब्ल्यू डी। दैट मीन्स वेट ऑफ द ड्राई मैटर प्रेजेंट इन द सैंपल। WD कितना हो गया? 90 केजी। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल वेट अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, टोटल वेट से जब आप वेट ऑफ द वॉटर माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द ड्राई मैटर, दैट इज WD। नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट एग्जाम में आ चुका है। लेट्स सी कि ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल कह रहा है 80 केजी ऑफ वीट कंटेनिंग 10 केजी ऑफ मॉइस्चर हैज बीन ड्राइड टू ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 8% वेट बेसिस इन 3 आवर्स अंडर कॉन्स्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग। The drying rate in kg per hour is dash. Look at the question. यहाँ पे is dash बोल दिया गया है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करके इसमें आंसर पुट इन करना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल वेट ऑफ द सैंपल कितना दिया हुआ है? 80 केजी। देर इज 80 केजी ऑफ वीट। दिस 80 केजी ऑफ वीट कंटेन्स 10 केजी ऑफ मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर का वैल्यू यहाँ पे 10 केजी इनिशियली दिया हुआ है। ये केजी में दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं। अब अगर आप इस सैंपल को ड्राई कर रहे हो तो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट कितना आ रहा है? 8%। ये 8% किस में दिया हुआ है? वेट बेसिस पे। फाइनल मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका वैल्यू केजी में आपको निकालना है। ड्राइंग कितने देर तक आपने की? 3 आवर्स तक, अंडर कॉन्स्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग। क्या निकालना है? ड्राइंग रेट। लुक एट द यूनिट, यूनिट कितना दिया हुआ है? केजी पर आवर। दैट मीन्स कितना अमाउंट ऑफ वॉटर रिमूव हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। पहले हमें क्या पता है? इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल। इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, इनिशियल वेट ऑफ सैंपल हमारा कितना था? 80 केजी। ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये क्या है? टोटल वेट। तो इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं हम? WT1। नेक्स्ट हमें क्या पता है कि जब सैंपल का वेट 80 केजी था तब सैंपल में वॉटर कितना था? तो इनिशियल वेट ऑफ वॉटर प्रेजेंट इन द सैंपल, दैट इज 10 केजी। इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? WW1। तो अगर हमें सैंपल का वेट पता है, वॉटर का वेट पता है, तो ऑब्वियसली सैंपल में सॉलिड कितना है वो पता होगा। तो WD, दैट इज द ड्राई वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सैंपल, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 80 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 70 केजी। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग अगर करेंगे तो क्या होगा? वॉटर रिमूव होगा। वॉटर कहां से रिमूव होगा? इस 10 केजी से रिमूव होगा। दैट मीन्स जो भी चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे? वॉटर के वैल्यू में आएंगे। ये जो 70 केजी है ये क्या है? सॉलिड।
ये तो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, राइट। अब क्वेश्चन में दूसरी एक चीज बताई गई है, वो क्या बताया गया है कि ड्राई करने के बाद जो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट आया वो कितना आया, 8%, और वो किस में दिया हुआ है, वेट बेसिस पे। तो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट ये दिया हुआ है वेट बेसिस पे, और परसेंटेज में इसका वैल्यू दिया गया है 8%, राइट। तो हमें क्या समझ में आया कि हमें वेट बेसिस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वेट बेसिस का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो व्हाट डज दैट फॉर्मूला से, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको काफी सारी वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वेट बेसिस का फॉर्मूला क्या कह रहा था कि परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इन वेट बेसिस दैट इज MW इज इक्वल टू WW दैट इज द वेट ऑफ द वॉटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द टोटल सैंपल WT इंटू 100। अब हमें फाइनल कंडीशन के बारे में बात करनी है, तो फाइनल कंडीशन में जब मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे तब उसे कंसिडर करते हैं MW2। ड्राई होने के बाद सैंपल में वेट ऑफ द वॉटर कितना था, WW2, और टोटल वेट ऑफ द सैंपल जो है ड्राई कंडीशन के बाद वो हो जाएगा WT2 इंटू क्या है, 100। तो WW2 क्या है, फाइनल वेट ऑफ वॉटर प्रेजेंट इन द सैंपल, मतलब आफ्टर ड्राइंग सैंपल में वॉटर कितना था, और WT2 क्या है, टोटल वेट ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग, ड्राई करने के बाद सैंपल का वेट कितना हुआ आफ्टर ड्राइंग, राइट। नाउ WW2 ये हमें निकालना है, क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइड किया गया है, लेकिन WT2 क्या ये प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्टली नहीं, पर इसका आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, टोटल वेट ऑफ द सैंपल क्या होगा, वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वॉटर प्रेजेंट इन द सैंपल। वेट ऑफ द सॉलिड कितना है, 70, ये तो अनचेंज्ड रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वॉटर दैट इज WW2, ये दोनों मिला के हो गया आपका WT2। अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली MW2 उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 8%, दैट इज इक्वल टू WW2 जो हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय 70 प्लस WW2 इंटू 100। इफ यू सॉल्व दिस, 8 इंटू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 70 प्लस WW2, दिस विल बी इक्वल टू 100 WW2। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आना चाहिए, 8 इंटू 70 किया आपने, 560 प्लस 8 WW2 दैट इज इक्वल टू 100 WW2। तो ये वैल्यू इस साइड चली जाएगी, दैट मीन्स 560 विल बी इक्वल टू 100 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 92 WW2, और दिस WW2 विल बी इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय 92 एंड दैट इज इक्वल टू 562 डिवाइडेड बाय 92 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू आएगा 6.08 kg, ठीक है। तो इनिशियली सैंपल में कितना वाटर था, 10 kg, और फाइनली कितना आया, 6.08 kg। तो ड्राइंग रेट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 kg माइनस 6.08 kg डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम तक ड्राइंग हुई थी, 3 आवर्स। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.3 kg/h। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि अगर आपको सैंपल का मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है केजी में और फाइनल वैल्यू दिया गया है मॉइस्चर कंटेंट में एंड ड्राइंग रेट निकालना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ये एक पार्ट था मॉइस्चर कंटेंट का। अब बात आती है मॉइस्चर कंटेंट में दूसरी एक चीज है। दूसरी चीज क्या है, सपोज आपके क्वेश्चन में मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू दिया गया है वेट बेसिस पे और आपको निकालने बोला गया कि ड्राई बेसिस पे ये वैल्यू कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे। उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, MD इज इक्वल टू, यहाँ पे MD क्या है, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राई बेसिस, दिस इज इक्वल टू MW दैट इज द परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इन वेट बेसिस डिवाइडेड बाय 100 माइनस MW इंटू 100। अगर वाइस वर्सा हुआ, मतलब आपके पास ड्राई बेसिस का वैल्यू है और वेट बेसिस को निकालने के लिए बोला गया है, तो आप क्या लिखोगे, MW इज इक्वल टू MD डिवाइडेड बाय 100 प्लस MD इंटू 100, राइट।
इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करना है. प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. नाउ ये जो दो फॉर्मूलाज हैं, इन पे हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे. ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके गेट एग्जाम में आ चुका है 2018 के पेपर में. लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन सेज द इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए फूड ऑन वेट बेसिस इज 50.76%. इट्स मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज ऑन ड्राई बेसिस इज डैश, आफ्टर डैश इट हैज बीन रिटन अप टू 2 decimal points. Now look at the question. Question बहुत simple लग रहा है, but it is not that simple as it looks. Why? Question में दिया हुआ है percentage wet basis पे moisture content कितना है 50.76%. क्या value निकालना है आपको कि percentage dry basis पे moisture content का value क्या होगा dry basis, right? लेकिन अब question में दूसरी चीज लिखी गई है, वो क्या है, up to 2 decimal points तक आपको आंसर निकालना है. देखिए फॉर्मूला में पुट कीजिए, एमडी आपको निकालना है. फॉर्मूला क्या था, एमडब्ल्यू डिवाइडेड बाय 100 माइनस एमडब्ल्यू इनटू 100. यहाँ पे एमडब्ल्यू क्या है, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इन वेट बेसिस, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 50.76 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50.76 इनटू 100. इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राई बेसिस, और ये वैल्यू है 103.0869%. क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अप टू 2 decimal points, मतलब 2 digit तक कंसिडर करना है. तो 8 तक आपका 2 digit हो रहा है, लेकिन 8 के बाद वाला नंबर देखिए क्या है, 6. ये 5 से ज्यादा है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा. तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 103.09. ये आपका फाइनल वैल्यू है. अगर किसी ने 08 लिखा तो वो आंसर गलत हो जाएगा. आंसर क्या होना चाहिए, 103.09%. सो टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एंड वी हैव सॉल्व्ड 2 numericals. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन सॉल्विंग फर्दर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉइस्चर कंटेंट. Wait for the next video to come. Till then, practice questions based on this particular concept. If you have any queries, you can send that. In the next video, what we will discuss is based on microbiology. आपको अगर आप practice कर रहे हो gate के exam के लिए, आपने देखा होगा t value, d value and z value. इन पे भी questions आते हैं. तो हम इस चीज को discuss करेंगे next video में. If you truly like this video, share it with your friends, juniors, seniors. Like this video and subscribe it. Wait for the next video. Till then, practice. Thank you, all of you.